बिहार में जेडीयू का आरजेडी के साथ आने से जातीय समीकरण बदल गए हैं। बीजेपी भी छोटे दलों के साथ मिलकर अधिक से अधिक सीटें जीतने की रणनीति बना रही है। बीजेपी ने 40 में से 34 से ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति बना रही है। सूत्रों ने बताया कि 40 सीटों में से 32 से 34 सीटों पर बीजेपी जीत पक्की मानकर चल रही है। एनडीए के मौजूदा घटक दलों के साथ 32 से 34 सीट पर जीत रणनीति बनाई गई है। पार्टी सर्वे के आधार पर रणनीति बनाई है। बीजेपी के मौजूदा 17 लोकसभा सदस्यों में से 3 से 4 सीटों पर फेरबदल संभव है। या तो इन बीजेपी सांसदों के टिकट काटे जाएंगे या फिर सीटों में बदलाव होगा। इनमें से 3 की जीत अभी तक के सर्वे के अनुसार तय मानी जा रही है, बाकी के बारे में मंथन जारी है। जी मीडिया संवाददाता ने सूत्रों से बताया कि जेडीयू में भी सेंधमारी हो सकती है। जेडीयू के 6 सांसद बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये सांसद पार्टी नेतृत्व के संपर्क में है। इन 6 जेडीयू सांसदों पर बीजेपी की तरफ से जल्द फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा बिहार एनडीए का सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। चिराग पासवान और पशुपति पारस को पिछली बार की तरह 6 सीटें दी जाएगी। जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट दी जाएगी। मांझी गया सीट लेना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2 सीटें देने का फॉर्मूला तय हुआ है। कुशवाहा को काराकाट और सीतामढ़ी सीट दी जा सकती है। बता दें कि बिहार में बीजेपी के साथ चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। बीजेपी इन छोटे छोटे पार्टियों के साथ गठबंधन करके ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है। वहीं जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस बीजेपी को कम से कम सीटों पर रोकना चाहते हैं।